पाकिस्तानी आतंकियों की एक और नाकाम कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बटल सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन जवान उस इलाके में पहले से ही अलर्ट पर थे। घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों ने जमकर गोलीबारी की। भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। मौके पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में बट्टल नाम से दो इलाके हैं, एक पुंछ में तो दूसरा राजौरी जिले में। ये जो घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की ओर से की गई, ये पुंछ जिले के बट्टल में थी। सेना के मुताबिक ये घुसपैठ की कोशिश आतंकियों द्वारा करीबन 3 बजे की गई थी। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम रही। व्हाइट नाइट कॉप्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये लिखा है, सतर्क सैनिकों ने 3 बजे बट्टल सेक्टर में प्रभावी गोलीबारी के साथ घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को प्रभावी ढंग से उलझाकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के दौरान एक जाबाज घायल हो गया है। ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, इससे ठीक एक दिन पहले आतंकियों ने राजौरी में ग्राम रक्षा समिति सदस्य शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमले की कोशिश की थी। सेना ने उस हमले को भी नाकाम कर दिया था और इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। इस घटना में एक सैनिक और एक नागरिक घायल हो गया था। सेना ने बताया कि पूरे दिन आतंकवादियों के साथ रुक रुक कर गोलीबारी हुई। वहीं एक आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर थी। बता दें कि बीते कुछ महीनों से आतंकी लगातार सेना के काफिले या फिर कैंप को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया हमला डोडा में हुआ था, जहां घने जंगलों में सेना के एक सर्च दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में हमले के अलर्ट को लेकर हर जगह सुरक्षा टाइट कर दी गई है। वहीं सुरक्षा बल लगातार इन आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान सीमा से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, मगर उसे भी नाकाम कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।